Hey guys, Rom Gurji here, back with another video. और I know मैं काफी दिनों के बाद आया हूँ और ये क्यों ब्रेक लिया मैंने ये भी मैं बताऊंगा एक आने वाले वीडियो में, पर उससे पहले आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे कि आपको इंडिया में iQOO क्यों नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अभी वो नए फोन्स लॉन्च करने वाले हैं, या तो iQOO 7 लॉन्च होगा या iQOO 5 Neo लॉन्च होगा। दोनों में काफी बढ़िया हार्डवेयर है, काफी अच्छे स्पेक्स हैं, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको नहीं लेना चाहिए। तो मैं बताऊंगा क्यों नहीं लेना चाहिए। और आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बोलने वाला कौन है, इसके पास खुद iQOO 3। हाँ भाई, मेरे पास iQOO 3 है, इसलिए तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप सेम ट्रैप में ना फंसे। तो बैकग्राउंड में iQOO 3 का देता हूँ, काफी अच्छा हार्डवेयर, काफी प्यारा हार्डवेयर, ठीक है, बट एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा। और मैं बताऊंगा क्यों आपको, मैं 5 रीजंस दूंगा कि आपको इंडिया में iQOO नहीं लेना चाहिए। बट फर्स्ट, if you want to watch this video in English, there's timestamp given down below, you can go there and watch this video in English again, right? तो अब जो बात आती है कि iQOO इंडिया में क्यों लेना चाहिए, पहला रीजन है कस्टमर सर्विस। तो आपने कितने iQOO के सर्विस सेंटर्स देखे? iQOO के जो पेज पे अगर आप जाओगे या आप फ्लिपकार्ट पे जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि वो लोग वहां लिख के देते हैं कि आपके डोरस्टेप पिकअप करेंगे फ्री ऑफ चार्ज और आपका फोन ठीक करके देंगे। बट इसके पीछे की आपको मैं एक बैक स्टोरी बताऊं, ये हर सिटी में अवेलेबल ही नहीं है। ये इनफैक्ट मेजर सिटीज के अलावा छोटी सिटीज में अवेलेबल ही नहीं है, इनफैक्ट उनके सर्विस सेंटर भी नहीं है। क्या करोगे, कस्टमर सर्विस कैसे करोगे? ये तो हो गए सर्विस सेंटर, बट और एक बात बताऊं आपको, इनके कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव भी कुछ काम नहीं करते। काफी टाइम से iQOO 3 यूजर्स एक कंप्लेंट किए जा रहे हैं नॉन स्टॉप। वो क्या है, काफी लोगों ने ये फोन लिया, इसकी HDR कैपेबिलिटीज, गुड प्रोसेसर, TV सीरीज देखेंगे, स्क्रीन बहुत प्यारी है। पता है क्या हुआ, अपडेट के बाद उनका फोन वाइड वाइन L1 से L3 हो गया, तो अब वो नहीं देख सकते HD कंटेंट किसी भी स्ट्रीमिंग साइट पे। क्यों, इसमें क्या गलती है यूजर्स की? यूजर्स की गलती नहीं है, इसमें गलती कंपनी की है। बट कंपनी, महीने गुजर गए हैं, कुछ नहीं किया है कंपनी ने। इसके बाद कंपनी आती है, बोलती है कि हमने एंड्रॉयड 11 दे दिया। इन्होंने एंड्रॉयड 11 दिया है, पर इसमें एंड्रॉयड 11 का कोई फीचर नहीं है। मैं 3 महीने से एंड्रॉयड 11 अपने iQOO 3 पे यूज कर रहा हूँ, बट कोई भी एंड्रॉयड 11 के फीचर्स एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद कंपनी ने अनाउंस ऑलरेडी कर दिया था सोशल मीडिया पे, हमने एंड्रॉयड 11 दे दिया। भाई एंड्रॉयड 11 दिया है, पर उसके एंड्रॉयड 11 के कोई फीचर्स नहीं है, ठीक है। तो उस एंड्रॉयड 11 के साथ भी बग्स आए, इनके हर अपडेट के साथ बग्स आते हैं, बट वो एक अलग पॉइंट है क्यों खरीदे ना। कस्टमर सर्विस की जब बात आती है, काफी लोगों ने अच्छी खासी बग रिपोर्ट्स ये कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स को दी है, और उस पर कुछ काम नहीं हुआ है। जो भी बग्स हैं वो फिक्स होने की जगह और बग्स ऐड हो जाते हैं। तो कस्टमर सर्विस तो मतलब वो आपको सेम रिस्पॉन्स देंगे कि हाँ हमने फॉरवर्ड कर दिया है और उसके बारे में कुछ नहीं होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, हम जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि क्यों नहीं लेना चाहिए, वो है सर्विस सेंटर अवेलेबिलिटी। तो काफी लोग जो इनके पेज पे जाते हैं, इन्होंने लिखा हुआ है कि हम आपका डोरस्टेप पिकअप करेंगे फ्री में और हम आपको फोन वापस ला के दे देंगे। पहले तो जो डोरस्टेप पिकअप वाला है उसमें उन्होंने टाइमलाइंस नहीं दिए, इनकी टाइमलाइन बहुत लॉन्ग होती है और उस टाइम तक आपको वेट करते रहना पड़ता है अपने फोन के लिए, ठीक है। तो एक वो चीज है जो मेरे हिसाब से काफी प्रॉब्लमेटिक लगती है मुझे कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए इस कंपनी ने। बट नंदलेस आगे बढ़ते हुए, जब सर्विस सेंटर्स हैं वो खुद उतने अवेलेबल नहीं है, इनकी वीवो के साथ एक कनेक्शन है, तो ऑब्वियसली ये वीवो के सर्विस सेंटर साथ में यूज़ करते हैं, बट ये सिर्फ मेजर सिटीज़ में इनके सर्विस सेंटर्स हैं। अभी धीरे धीरे बेटर है, बट वो बहुत कम है। मैं काफ़ी लोग iQOO 3 का जो ग्रुप है, नीचे लिंक दी हुई है टेलीग्राम में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, काफ़ी लोग जो हैं वो बोलते हैं कि मैं इस एरिया में रहता हूँ और मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, और ये लोग बोलते हैं कि पोस्ट से अपना फ़ोन सेंड कर दीजिए। आप सोचिए, आप अपना 30-35 हज़ार का फ़ोन वाया पोस्ट सेंड करेंगे सर्विस सेंटर को? क्या अश्योरिटी है भाई, क्या अश्योरिटी है, ठीक है। जो कंपनी ठीक से अपडेट नहीं फिक्स कर पाती, उन्हें मैं पोस्ट पर अपना फ़ोन क्यों दूंगा? बट ठीक है, इसके आगे चलते हुए अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये तो दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट जो हो गया वो है कंपनी के जो क्लेम्स होते हैं वो काफ़ी टाइम फॉल्स होते हैं। जैसे पहले तो मैंने आपको बताया था, इन्होंने एंड्रॉयड 11 का क्लेम किया ट्विटर पे, तो आपको पता होगा जो ट्विटर पे इन्होंने क्लेम किया, इसमें इन्होंने लिखा कि वी हैव लॉन्च्ड एंड्रॉयड 11 फॉर ऑल आवर यूजर्स एंड वी आर वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज टू रिलीज एंड्रॉयड 11। टेक्निकली ये सही है, इन्होंने क्या किया, वो जो नंबर होता है ना एंड्रॉयड वर्जन, उसको 11 कर दिया, वाओ। बट एंड्रॉयड 11 का एक भी फीचर नहीं है एक्सेप्ट फॉर दैट स्टोरेज सेक्लूजन वाला, जिसमें बाकी एप्स को स्टोरेज एक्सेस अलाउड नहीं होता,
ठीक है, स्पेसिफिक स्टोरेज ही अलाउड होता है, एक्सेस अलाउड होता है। इसके अलावा कुछ खास फीचर्स नहीं इंट्रोड्यूस किए इन्होंने, थोड़ा फ़ोन को स्मूथ किया पर उसके साथ बग्स डाल दिए, कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं चलता इनके एंड्रॉयड 11 में। और लिटरली मैं मजाक भी नहीं कर रहा, काफ़ी लोगों ने मैसेज किया है, कमेंट किया है मेरे एक पोस्ट पर, आप जाके देख सकते हो, उसकी लिंक नीचे दे दूंगा। लोगों ने सर्विस सेंटर जाके अपना फ़ोन डाउनग्रेड करवाया। पहली कंपनी है जहाँ पे लोग अपना फ़ोन डाउनग्रेड कराने के लिए भाग रहे हैं, और उसमें जो डेटा लॉस होता है उसका कौन कौन जवाब देगा? सो दिस इज द थर्ड रीजन दे मेक एब्सोल्युटली रिडिकुलस क्लेम्स, ठीक है, एंड उसमें से सच्चाई बिल्कुल नहीं होती है। आप इनकी सच्चाई पे ना मानिए। एक तो ये था एंड्रॉयड 11 का क्लेम। दूसरा जो इन्होंने क्लेम किया था कि पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस, आपको पता है पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस में भी टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत है, और काफ़ी बार काफ़ी सिटीज़ में पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस आप कराते हो तो पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस के चार्जेस तो नहीं लगेंगे, ठीक है, आप वारंटी में हो, बट जो टाइम लगेगा उसमें आप सोचोगे कि हाँ भाई मैं तो टूटा हुआ फ़ोन ही यूज़ कर लूँ। और इनके चार्जेस ये क्लेम करते हैं कि काफ़ी अफोर्डेबल है, बट इनके जो गंदे से ईयरफोन्स थे उसकी कॉस्ट 2000 रुपये लगाते हैं ये लोग। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है इन चीज़ों पे। इसके बाद करेंगे फोर्थ जो है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी मेजर चीज़ है, अगर आप एक बहुत टेकी यूज़र हो जिसको बहुत सारे फ़ोन चेंज करना पसंद है, नए नए चीज़ें एक्सपीरियंस करना पसंद है, उनके लिए एक बहुत गंदी चीज़ जो होगी रीसेल वैल्यू। इसकी रीसेल वैल्यू बहुत ख़राब है। पहले तो ये रीसेल जहाँ से लिया था, मतलब फ्लिपकार्ट से लिया था, फ्लिपकार्ट आप वापस बेच भी नहीं पा रहे थे इसको, यू कुडेंट एक्सचेंज इट ऑन फ्लिपकार्ट बिकॉज इट वॉज नॉट अलाउड। नाउ दैट इट इज़ अलाउड आपको 11 से 12 हज़ार मिल रहे हैं एक्सचेंज वैल्यू पे, ठीक है, 11 से 12 हज़ार। मैंने ये फ़ोन 35 हज़ार में लिया था। इट मेक्स नो सेंस फॉर द वैल्यू टू ड्रॉप। और ये वारंटी पीरियड में, बाय द वे 6 से 7 महीनों में इसका वैल्यू 12 हज़ार है रीसेल, विच इज़ एब्सोल्युटली एट्रोशियस, ठीक है। और जो फिफ्थ और फाइनल रीज़न है वो है आपका इस कंपनी, इसके UI के साथ जो एक्सपीरियंस है, टोटल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जो आपका है, इट इज़ एब्सोल्युटली एट्रोशियस। हर अपडेट में आपको नए नए बग्स आते हैं, ऐसे लगता है कि अभी भी कंपनी सिर्फ बीटाज रिलीज़ कर रही है। हर अपडेट में एक ना एक प्रॉब्लम होगी, बग होगा, फ़ोन अपने आप ऑफ हो जाएगा। बीच में इन्होंने एक अपडेट रिलीज़ किया था काफ़ी यूजर्स के लिए जिसमें फ़ोन अपने आप लॉक हो रहा था, इट वॉज जस्ट गेटिंग लॉक एब्सोल्युटली एनी टाइम, पेमेंट करते वक्त लॉक हो गया, पेमेंट टाइम आउट हो गई, ट्रांजैक्शन डेबिट हो गए पर एक्चुअली पेमेंट थ्रू नहीं गए। काफ़ी इश्यूज इसके साथ आए हैं जो इसके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि हार्डवेयर ख़राब है, इस कंपनी के हार्डवेयर हमेशा अमेजिंग होते हैं, बट जो सिक्स्थ बोनस रीज़न मैं आपको दूंगा, बूटलोडर अनलॉकिंग अलाउड ही नहीं है, दे डोंट इवन डिस्कस इट, ये बात भी नहीं करते हैं बूटलोडर अनलॉकिंग के बारे में। तो उस केस में आपके पास बहुत प्यारा हार्डवेयर है जिसका आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत बुरा है। ये 5 रीजंस थे जिस वजह से आपको iQOO नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अब हम इंग्लिश की तरफ जाएंगे, इंग्लिश में मैं सेम वीडियो करूंगा, बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत हेल्प होती है। मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आगे लाने वाला हूँ अबाउट न्यू फोन्स, हाउ टू गेट क्रेडिट एज अ स्टूडेंट, अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स। तो स्टे ट्यून्ड रहिए और लाइक शेयर कर दो यार प्लीज़, ठीक है, मिलते हैं अगले वाले में, चलो इंग्लिश की तरफ। सो हाय गाइस, रोम गुरुजी हियर एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द 5 रीजंस व्हाई यू शुडंट बाय iQOO इन इंडिया, एंड स्पेसिफिकली फॉर इंडिया, ओके। नाउ द थिंग दैट आई हैव टेकन अ बिग ब्रेक एंड आई एम गोइंग टू टेल यू इन अ अपकमिंग वीडियो व्हाई डिड आई टेक दैट ब्रेक, व्हाट वाज द रीजन, एंड इट इज रिलेटेड टू टेक, डोंट वरी अबाउट इट, इट वोंट बी रिलेटेड टू एनीथिंग एल्स, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड लेट्स स्टार्ट विद द रीजंस। फर्स्ट इज द कस्टमर सर्विस एंड कस्टमर सपोर्ट। सो दिस ब्रांड इज फेयरली न्यू इन इंडिया एंड इवन दो इट इज इन कनेक्शन विद वीवो, द कस्टमर सर्विस इज एब्सोल्युटली एट्रोशियस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज द कस्टमर सर्विस सपोर्ट दैट यू कॉल और टेक्स्ट। They always will give you a standard answer. They will not actually solve your issues. They'll either tell you to reset the settings or reset the phone or go to the service center. There's nothing other than that which they can do. Or they'll tell you that we have recorded all your problems and we will fix it in an upcoming update. And that update never comes. Okay. So I have been on Android 11 for the past 3 months and there is absolutely no change. There's no Android 11 feature available, man. Like, that is just sad. Okay. So moving on to...
customer service centers, there aren't many. And whatever there are only in major cities, and that is absolutely atrocious. Like when you look at Samsung or even Motorola for that matter, their service centers are going up and up. Here, the company makes a false claim, or rather, it's not false, but it's withholding that they will pick up, they have pickup and drop service for repairing of your phone. That pickup and drop service, firstly, takes atrociously huge time. And it is not available in every city. It's only available in very select cities. Moreover, I have seen messages on the iQOO3 group from a lot of users that even when they want to fix their problems, the company executives tell them, why don't you just post your phone to us and we'll get back to you in a few months or something like that. Which is very sad. Why would I want to post my phone? It is not safe. It has your personal data. It has your bank details. There's a lot of stuff. And I don't think this is absolutely professional. Like, it is absolutely atrocious. A lot of time, the company service executives also make people reset their phones for the bugs that are already existing in the system and need to be fixed by a update rather than resetting the phone. And with the reset, you lose data, which is a bad thing. You're not supposed to lose data when your customer service executive is helping you. So that's first point. The second point is the false claims made by the company. The company makes a lot of false claims. Like on the Twitter, they went on Twitter and said that, hey, we have given every iQOO3 user Android 11 and we are one of the first companies to do so. Well, technically they were right, but they didn't actually introduce Android 11. Well, the number just changed in your Android version column. But actually there is no Android 11 feature that we have on that update. Moreover, that update is absolutely pathetic because every time they update something, they break something, right? The second false claim is about that pickup and drop. A lot of people are attracted to that pickup and drop service because they feel special about it. They feel like, oh wow, what a pickup and drop service and all. It is not how you think it is. It takes so much time and energy to get your phone serviced when you're with iQOO. It's absolutely mind-bending. And their monster performance is that the battery life they used to claim was actually true, but with their updates they've ruined the battery life so much that I have to charge my phone twice in a day, and this has more than 4000 mAh of battery. It is absolutely sad, dude. When we come to the third part is the resale value, which I feel is very important for all the techies out there who, you know, constantly want to change the phone. This has absolutely ridiculously low resale value. So I got this phone for 35,000. Okay, it is now available for cheaper, but then again, it's been about 6 months, 7 months. And the resale value I'm getting for this, right? And by the way, it was not even being exchanged on Flipkart till a few months back. Is 12,000 to 11,000. Come on, man. 12,000 to 11,000. It's under warranty and it still has such less resale value. What would you say? This is an absolutely ridiculous resale value. I can still sell my OnePlus 6T at the same price. And it's damn old. It's damn old. So you know that the resale value is really, really sad, right? The fourth thing is the fourth thing that I want to talk about is the company's in general responsibility towards the customers, right? They don't have any, right? The support is absolutely atrocious. They make false claims. We are left out of software updates. So even though the hardware seems very lucrative, they do not have anything that's actually on paper really that good. So that is one of the major issues that is there. The fifth reason which I feel is important is the in general software experience. This is marketed as a flagship phone, but what is one of the important factors of a flagship is the software experience. And here the software experience is absolutely atrocious, right? It's absolutely heart-wrenching because with every update, there's a broken thing, there's a broken feature. It is very bad. I believe it's not something that should be done. If you're giving out a software update, it should fix stuff rather than break more stuff. And like, they've given the Android 11, but without any Android 11 features, right? It is very bad for the customer as an experience. It almost feels like I'm using a beta product, which is not very nice, right? I've paid a lot of money for it and the experience is atrocious.
And now you must be saying ki, okay, it's atrocious everywhere. It's not. In China, they've already started receiving Origin OS, but in India, they are not going to release Origin OS. So that is going to be a problem for a lot of people. And the sixth and bonus point, there is no bootloader unlock. So you have this amazing hardware here, but no bootloader unlock to actually use it. Come on. What? Your software sucks. So you could... Oh, sorry. Your software is bad. So you could give us bootloader unlock, right? The company even does not discuss it. They will not discuss bootloader unlock with you. They say it's not permitted them. They will not take any ownership of it. Nothing, right? So these are some of the reasons why I think you should not buy iQOO in India. If you have more reason or if you disagree with me, please comment down below and we'll have a conversation, right? That was all for this video, guys. If you did like the video, please like, share and subscribe, and I'll see you in the next one. Bye-bye.